गाइज, मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ बॉक्सिंग डे कनाडा में। देख सकते हैं कि प्रीमियम आउटलेट तक पहुँचने में कितनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। गाइज, आप लोग स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें देख रहे होंगे, पोलो के बाहर रश आप देख रहे हैं, आरमानी के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गाइज, चलते हैं फूड पवेलियन में और देखते हैं कि इनके पास फूड्स की क्या क्या वैरायटीज हैं। होए 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 गाइस, फूड पवेलियन तो ऑलमोस्ट फुल हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बी एन व्लॉग्स। गाइस, आज का मौसम भी कनाडा में कोई इतना अच्छा नहीं है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि स्नो हो रही है और आज बॉक्सिंग डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कनाडा में बॉक्सिंग डे में कितना रश होता है, स्पेशली शॉपिंग सेंटर्स में, क्योंकि बॉक्सिंग डे मशहूर ही अपनी डील्स की वजह से है। तो गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, गाड़ी मैंने पहले से ही साफ कर रखी है, बैठता हूँ इसके अंदर और आपको दिखाता हूँ आज के कुछ नज़ारे। गाइस, प्रीमियम टोरंटो आउटलेट्स पर रश जरा चेक करें, एंट्रेंस के लिए कितनी कितनी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है। गाइस, मेरी राइट साइड पे स्टार्ट हो चुकी हैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स और आप ट्रैफिक तो देख ही रहे हैं, अच्छा खासा इस टाइम ब्लॉकेज हुई भी है ट्रैफिक की, बहुत स्लो स्लो गाड़ियां मूव हो रही हैं। और लोग पैदल चलने पे मजबूर हो चुके हैं कि किसी न किसी तरीके से बस प्रीमियम आउटलेट्स पे पहुंच जाएं। गाइस, फाइनली 30 to 45 मिनट के बाद मुझे पार्किंग मिली है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टोरंटो प्रीमियम आउटलेट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ब्रांड्स हैं और पार्किंग लॉट गाइस यहाँ के ऑलमोस्ट फुल हुए हुए हैं। बॉक्सिंग डे कनाडा में सेल्स की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। अमेरिकन ईगल, गाइज ये है एंट्रेंस टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स की और स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गुच्ची के बाहर आप लोग लाइन चेक कर सकते हैं कि गुच्ची के बाहर भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर भी आप लाइनें देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं स्टोर्स में एंटर होने के लिए। गाइज, आपने इतनी लंबी लंबी लाइनें देखनी हो तो आप कनाडा आ जाएं, क्योंकि आपको ऐसे मनाजिर कनाडा में ही नजर आएंगे। गाइज,
पोलो के बाहर चेक करें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऑलमोस्ट हर स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। टॉमी के अंदर रश चेक करें कि टॉमी के अंदर इस टाइम कितना रश हुआ हुआ है। कैल्विन क्लाइन के बाहर गाइस रश चेक करें कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं एंटर होने के लिए। गाइस चलते हैं इस तरफ और आपको मैं दिखाता हूं कि इस तरफ कौन कौन से स्टोर्स हैं। अरमानी, लोग स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस में वेट कर रहे हैं। प्राडा के बाय लाइन चेक करें गाइस, अच्छी खासी बड़ी लाइन है प्राडा के बाहर। तो गाइस टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में रश तो आप देख ही चुके हैं। बड़ी मुश्किल से एक चाइनीज स्टोर जिसका नाम है फेमस वॉक से मैंने ये वेजिटेरियन आइटम पिक किए हैं। तो गाइस मैंने उसे कहा थोड़ा श्रिम वगैरह भी डाल दे। अब चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो गाइस रेगुलर नूडल्स वेजिटेरियन, इसका टेस्ट नॉर्मल है नूडल्स का। अब चलते हैं और ट्राई करते हैं श्रीम। क्या बात है गाइस, श्रीम का टेस्ट बहुत जबरदस्त है। ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है। अब मैं ट्राई करता हूं इनकी ब्रोकली। गाइस इनकी ब्रोकली बहुत जबरदस्त तरीके से इन्हें बॉयल किया हुआ है और अपने को मेरा ख्याल इन्होंने कुछ सॉस वगैरह डाली भी है इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हैं, ट्राई करता हूँ इनको। ये एग प्लांट लग रहा है जिसका टेस्ट है गाइस बहुत ही आला है। ओवरऑल इनका फूड अच्छा है। तो गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया है कि टोरंटो प्रीमियम आउटलेट का इस टाइम क्या हाल हुआ हुआ है। तो मेरा अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।